हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आप लोगों को आवेशित कण के चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण में यदि गति करेगा उसके बारे में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारे पास एक आवेशित कण Q है, ठीक है। अब इस आवेशित कण का जो वेग है कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, तो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो भी कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक कोण बना है, उस कोण को हम लोगों ने थीटा मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या इस वेग को दो घटकों में, वेग को दो घटकों में तोड़ सकते हैं क्या? तो हो सकता है। एक को हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की ओर तोड़ देंगे और दूसरे को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले वेग का, वेग हमारा या v का चुंबकीय क्षेत्र की ओर घटक, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो कितना है, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, भी कॉस थीटा हो गया। यहाँ पर लिख देंगे भी कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग वही काम करेंगे, भी का चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक। तो यहाँ पर हम लोग इसको लंबवत घटक में हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे तो वो कितना हो जाएगा, सबसे पहले जो लंबवत घटक हो जाएगा वो हो जाएगा इसको इधर घटक, कितना हो जाएगा कोण, कितना हो जाएगा v sin θ। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कितना हो जाएगा, v sin θ, ये हमारा लंबवत घटक हो गया, ठीक है। तो दो घटकों में हम लोगों ने भी को तोड़ दिया है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग दोनों केस को ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो केस है वो वन, पहला केस वन, ठीक। तो पहला केस में हम लोग ये देखेंगे कि जो आवेश है, आवेश कितना है, क्यू है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्यों आवेश है, इस आवेश का कुछ द्रव्यमान भी होगा, मान लेते हैं कि वो द्रव्यमान कितना है, एम है। अब इस आवेश का वेग हम लोगों को दिया गया है, वेग कितना है, वी कॉस थीटा के बारे में पहले हम लोग देखते हैं अलग अलग करके। पहले हम लोग वी कॉस थीटा घटक के बारे में हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग वी साइन थीटा घटक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले वी कॉस थीटा, तो इसका वेग कितना हो गया, वी कॉस थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एम द्रव्यमान हमारे सामने दिया गया है, तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है, आगे की तरफ। तो एक बात आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो कोण बना है वो कितना बना है, 0 डिग्री के बराबर, ठीक है। समझिए यहां पर दोनों के बीच में, बी में और भी कॉस थीटा के बीच में जो कोण बना है वो 0 डिग्री के बराबर बना है। तो यदि हम लोग बल के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि चुंबकीय बल जो होगा यहाँ पर कितना होगा, चुंबकीय बल का सूत्र हमें पता है कितना होता है, q × जो वेग होगा वो qvb, ठीक है, qvb sin θ, यही ना होता है हमारा। तो ये हमारे पास जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर q और v डैश कितना है, v cos θ, समझ में आ गया। और साइन यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, साइन ले लेंगे 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर जो लगेगा, चुंबकीय बल जो यहाँ पर लगेगा वो 0 न्यूटन के बराबर लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इस आवेश के ऊपर कितना चुंबकीय बल लग रहा है, 0 न्यूटन के बराबर। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि 0 न्यूटन के बराबर बल लग रहा है, तो बल हो गया 0 न्यूटन। तो क्या इसके वेग में ये परिवर्तन कर पाएगा क्या, तो जवाब है नहीं, ये वेग में परिवर्तन नहीं कर पाएगा,
यहां से यदि इसको ध्यान से समझेंगे तो ये वी कॉस थीटा, ठीक है, और ये बी एकदम बिल्कुल भी इसमें कोई वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और ये वी कॉस थीटा से ये जो कण है जिसका द्रव्यमान एम है और इसका आवेश क्यू है वो सीधा वी कॉस थीटा से आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग अब केस टू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो केस टू यानी कि अब कौन सा घटक लेंगे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो उस घटक के हम लोग पता है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है, आगे की तरफ है, ठीक है, समझ में आ गया, चाहे घटक उसके दिशा में हो चाहे उसके लंबवत दिशा में हो। तो अब देखेंगे यहां पर कि भी साइन थीटा कहां है, ऊपर की तरफ है, ये भी साइन थीटा हमारा हो गया, दोनों के बीच में क्या बन गया, लंब बन गया, ठीक है। अब एक बात आप लोग यहां पर देखेंगे कि यहां पर आवेश भी है, तो क्या इस आवेश के ऊपर बल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जवाब है हाँ, इस आवेश के ऊपर बल लगेगा। और कैसे हम लोग बल निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग फ्लेमिंग का जो बाएं हस्त का जो नियम है उसको हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करें। सबसे पहले ये जो है हमारा तर्जनी है इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के दिशा की ओर किया, फिर जो आवेश का जो कण है जो वेग है वो ऊपर की तरफ हुआ, तो बल कहाँ लग गया, अंदर की तरफ हमारा बल लग गया, ठीक है, समझ में आ गया, अंदर की तरफ बल लग गया। तो ये तो वृत्ताकार पथ पर ये जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो अभिकेंद्रीय बल है वो अंदर की तरफ होगा। तो यहां पर आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर यदि आप ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर यदि ध्यान से देखिएगा तो बल कहां लग गया, यहां पर इसका वेग कुछ इस प्रकार से होगा, वेग जो होगा वो बिल्कुल स्पर्श रेखा की ओर होगा, और बल कहां लगेगा, केंद्र की तरफ, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये बल का दिशा होगा। तो इसका त्रिज्या भी होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका त्रिज्या भी होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके त्रिज्या के बारे में भी हम लोग यहाँ पर करते हैं। इसका त्रिज्या जो हो गया वो आर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, तो इसका त्रिज्या हो गया। तो अब हम लोग सूत्र लगाते हैं, हमें पता है एफ बराबर क्यू इंटू इसका जो वेग है, वेग कितना है, वी डैश मान लेते हैं, और वी डैश किसके बराबर है, वी साइन थीटा, तो क्यू इंटू वेग, आवेश का वेग इंटू साइन थीटा, समझ में आ गया, क्यू साइन थीटा इंटू बी हम लोग यहां पर करेंगे, आवेश का वेग हम लोग वी डैश मान लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो थीटा का मान है, थीटा थीटा यहां पर क्या होता है, थीटा हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र और भी साइन थीटा के बीच में जो बना हुआ कोण होता है उसी को हम लोग थीटा कहते हैं। तो थीटा का मान यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते, कितना हो जाएगा, क्यू भी डैश, भी डैश हमारा कितना है, भी साइन थीटा, तो भी साइन थीटा हो गया, समझ में आ गया, यहाँ पर हो गया हमारा बी, और यहाँ पर साइन जो कोण बना है वो 90 डिग्री के बराबर बन गया है, तो थीटा की जगह पर हम लोगों ने 90 डिग्री रख दिया, तो सब का सब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य न्यूटन, ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये हमारा एफ बराबर जो हो जाएगा वो शून्य न्यूटन के बराबर, साइन 90 का मान कितना होता है, एक के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा, क्यू भी साइन थीटा इंटू बी, तो ये हो जाएगा हमारा एक के बराबर हो जाएगा, समझ में आ गया, तो ये हमारा बल लग जाएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू भी बी साइन थीटा, समझ में आ गया, यही हमारा बल लग गया। तो हमें पता है ये हमारा अभिकेंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय बल का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, सबसे पहले इस कण का जो द्रव्यमान था वो कितना था, एम था, तो एम था, तो हम लोग क्या करेंगे, एम इंटू इस कण का जो वेग होगा, वेग कितना है, वी डैश, तो एम वी डैश का वर्ग करेंगे, एम वी डैश का वर्ग हो गया बटा इसका जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, आर लिख देंगे, ठीक, समझ में आ गया। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो एम और वी डैश के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो वी डैश के जगह पर हम लोग लिखेंगे वी साइन थीटा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, वी साइन थीटा गुने भी साइन थीटा, समझ में आ गया, बटा आर, समझ में आ गया, यहां पर आपको ध्यान से
समझना होगा। तो सबसे पहले यहां पर चल जाते हैं, यहां पर हो जाएगा हमारा क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा हम लोग यहां पर लिख देंगे, एम क्यू वी बी साइन थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो एम वी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा गुने वी साइन थीटा लिख दिया हम लोगों ने, वी साइन थीटा गुने वी साइन थीटा बटा आर, समझ में आ गया। अब यहां पर भी साइन थीटा यहां पर हम लोग काट देंगे, तो सबसे पहले आर से इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, क्यू बी आर एम भी साइन थीटा, ये हो गया आर। यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो एम भी साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा हमारा, क्यू बी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, समझ में आ गया। इस वृत्त का त्रिज्या जो होगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, एम भी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, त्रिज्या हम लोगों ने बड़ी आराम से निकाल लिया। चलिए सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जो पहला केस था, पहला केस से आप देख सकते हैं भी कॉस थीटा से ये क्या हो रहा था, आगे की तरफ जा रहा था, ठीक है, समझ में आ गया। इसका द्रव्यमान एम हो गया, आवेश प्लस क्यू हो गया, और भी कॉस थीटा से ये आगे की तरफ जा रहा था, ये नियतांक था। और दूसरे में हम लोगों ने समझा था कि ये वृत्त में भी जा रहा था। अब दोनों मोशन भी साइन थीटा वाले के कारण ये कहाँ जा रहा था, वृत्त में जा रहा था, समझ में आ गया। दो घटक थे हमारे पास ये आवेश के, ठीक है, ये हमारा बी है, ये हमारा भी है, ठीक है, इसका दो घटक था, ये हो जाएगा हमारा भी कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा भी साइन थीटा, समझ में आ गया, दो घटक है। तो इन दो घटकों के वजह से एक के कारण वो क्या है, बिल्कुल भी सरल रेखा में जा रहा है, दूसरे की वजह से क्या है, वो वृत्ताकार में जा रहा है, वृत्त में जा रहा है, समझ में आ गया। अब दोनों को यदि हम लोग कंबाइन करेंगे, दोनों को मिला देंगे, तो क्या होगा, उसको आगे भी जाना है और वृत्ताकार पथ का भी अनुसरण करना है, दोनों काम उसे एक साथ करने हैं, तो क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार से जाए, एकदम आगे भी और वृत्ताकार पथ, ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हेलिकल पथ हो जाएगा, क्षैतिज क्षैतिज दूरी और हेलिकल पथ, मतलब ये हेलिकल पथ में ये क्या करेगा, जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलिकल पथ, ठीक है, हेलिकल पथ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, मतलब कि वो वृत्ताकार पथ में तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ वो आगे भी बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा हेलिकल पथ, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर एक बात आपको बताना होगा, यदि हम लोगों से पूछा जाएगा कि क्षैतिज दूरी निकाले, क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले देखिए एक बार, जैसे मान लेते हैं कि एक बार ये सर्कुलर पाथ में जाएगा, तब तक ये कुछ आगे भी बढ़ जाएगा, मान लेते हैं यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, एक बार कंप्लीट मोशन करेगा तो ये आगे भी जा रहा है, ठीक है, एक बार कंप्लीट मोशन करेगा तो ये कुछ आगे की तरफ दूरी भी तय कर लेगा, तो आगे की तरफ जितना ये दूरी तय करेगा ना, यानी वृत्ताकार पथ में जाएगा, गोल गोल तो घूमेगा, तो गोल गोल घूमेगा तो इसका एक समय होगा, टाइम पीरियड होगा, ठीक है, आवर्त आवर्त काल होगा, तो उस आवर्त काल में जितना ये आगे दूरी तय करेगा उसी दूरी को हम लोग क्षैतिज दूरी कहते हैं, ठीक है। तो आगे की तरफ ये किस वेग से जा रहा है, भी कॉस थीटा वेग से जा रहा है, समझ में आ गया। और कितने समय तक वो दूरी तय करेगा, तो आवर्त काल के बराबर दूरी, मतलब आवर्त काल के बराबर, समय के बराबर वो दूरी को तय करेगा, में दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले आपको आवर्त काल निकालना पड़ेगा, यानी कि टी, इन दोनों का यदि हम लोग गुना कर देते हैं तो ये हो जाती है हमारी क्षैतिज दूरी। तो
क्षैतिज दूरी को यदि हम लोग समझें, क्षैतिज दूरी को हम लोग समझें तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग भी कॉस थीटा में आवर्त काल से गुना करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये आवर्त काल यानी कि टी निकालना चाहते हैं, तो आवर्त काल यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा? आवर्त काल ये कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले आप एक बात बताइए जिसको हम लोग टी से लिखेंगे, तो टी हमारा आवर्त काल कैसे निकलेगा? क्योंकि ये सर्कल में जा रहा है तो उसका हमारा जो सूत्र होता है हमें पता है कि ये जो सर्कल में जाएगा, वृत्त में जाएगा, तो वो कुल दूरी कितना तय करेगा? 2 पाई आर के बराबर। तो 2 पाई आर बटा क्या करेंगे? और जिस वेग से वो जा रहा है वृत्ताकार पथ में, उस वेग से हम इसे क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। तो 2 पाई आर, क्योंकि ये एक बार चक्कर लगाएगा, ठीक है, तो दूरी तय करेगा 2 पाई आर के बराबर। और उसे हम लोग यदि भी साइन थीटा से भाग लगा देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? आवर्त काल मिल जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 2 पाई आर की जगह पर आप देखिए, आर की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हैं? आर की जगह पर हम लोगों ने यूज किया कितना? mv sin थीटा, mv sin थीटा बटा v sin थीटा, mv sin थीटा नीचे बाई QB जो होता है वो हमारा R के बराबर हो जाता है। तो v sin थीटा से v sin थीटा ये कट गया तो कितना आ जाएगा? 2 पाई m बटा QB, ठीक है, समझ में आ गई। ये हमारा हो गया आवर्त काल, ठीक है। तो अब इसी आवर्त काल का मान हम लोग यहां पर रखेंगे तो हमें मिल जाएगा पिच ऑफ हेलिकल पाथ यानी कि क्षैतिज दूरी हेलिकल पाथ की। तो ये क्षैतिज दूरी यदि हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्षैतिज दूरी, तो क्षैतिज दूरी को यदि ध्यान से समझेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा? सबसे पहले v cos थीटा गुने 2 पाई m बटा QB, इसको हम लोग कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो बस ये इसको हम लोग कर दिया तो कितना हो जाएगा? 2 पाई m v cos थीटा बटा QB, ठीक है, ये हमारा क्षैतिज दूरी हो जाएगा, ठीक है। यदि हमसे कोई पूछेगा कि आवृत्ति आप निकालिए, तो हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति क्या होता है। आवृत्ति जो होता है क्या करेंगे हम लोग? 1/T कर देंगे, मतलब आवर्त काल का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आवृत्ति में हम लोगों का क्या हो जाएगा? इसको ऊपर नीचा कर दिया, ऊपर नीचा कर दिया तो QB/2 पाई m हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कुछ फॉर्मूले जो हम लोगों ने यहाँ पर सीखे हैं वो उसके बारे में हम आपको बता देने चाहते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो वृत्त है, वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है? वो है हमारा mv sin थीटा/Q। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वृत्त का त्रिज्या हो जाता है, समझ में आ गया। अब हम लोग ने ये देखा कि आवर्त काल कितना है? टाइम पीरियड यदि हम लोग बात करेंगे, 2 पाई m बटा QB, ये आवर्त काल हो गया। यदि आवृत्ति की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? QB/2 पाई m, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आवृत्ति हो गया, ठीक है, ये आवृत्ति हम लोगों को समझ में आ गया। और यदि हम लोग क्षैतिज दूरी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो क्षैतिज दूरी कितना हो जाएगा? क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी के बारे में हम लोग यदि बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? v cos थीटा गुने t, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा कितना आया है? ये आया है हमारा 2 पाई m बटा QB, 2 पाई m बटा QB, ये हमारे सामने जो सूत्र है कुछ इस प्रकार से है, 2 पाई m mv cos थीटा/QB, 2 पाई mv cos थीटा/QB आ गया, ठीक है, ये हमारा क्षैतिज दूरी आ गया।
आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, 10 कूलम का आवेश है, इसका वेग जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। ठीक, ये इसका वेग हो गया। ये जो कोण बनाया है वो लगभग 30 डिग्री के बराबर बनाया है। ठीक है, किससे? चुंबकीय क्षेत्र से। इसका जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं 1 kg के बराबर है। ये इसका वेग हो गया, ठीक है, और ये इसका आवेश हो गया। तो सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाएगा कि आप एक काम करिए, इसका त्रिज्या निकालिए, तो आर निकालिए, तो कितना हो जाएगा? MV sin θ अपॉन QB। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका द्रव्यमान देखेंगे, तो इसका द्रव्यमान जो होगा वो 1 के बराबर होगा। भी यदि हम लोग मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री बटा क्यू गुने बी। बी का मान मान लेते हैं हम लोग का 20 टेस्ला हो जाए, तो क्यू कितना है? वो 10 कूलम के बराबर है, टेस्ला जो है वो 20 के बराबर है। इतना आपको ध्यान से समझना है। ये कट गया। आर का मान यदि हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर 1/20 गुने sin 30 डिग्री का मान 1/2 मीटर, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/40 मीटर। ठीक है, समझ में आ गई। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा त्रिज्या हो गया। जिस त्रिज्या जिस वृत्ताकार पथ पर ये अनुसरण करेगा उसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो 1/40 मीटर के बराबर हो जाएगा। फिर आइए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यदि आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो आवर्तकाल है उसको आप प्राप्त करें, तो आवर्तकाल को जब आप प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2πm/3b। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2πm/3b, तो यहाँ पर हम लोगों को 2πm की जगह पर कितना है? 1, क्यू की जगह पर कितना है? 10, और बी के जगह पर कितना है? 20। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र 20 टेस्ला के बराबर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान समझना होगा, इसको कटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? π/100 सेकेंड। समझ में आ गया, ये हो गया इसका आवर्तकाल। समझ में आ गया। यहाँ पर आपको ध्यान समझना होगा, यदि हम लोग को आवृत्ति के बारे में बात करना होगा तो क्या करेंगे? 1/T होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे 1/T π/100। ठीक है, ये 100 हो जाएगा, हर्ज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आवृत्ति। यदि हमको पूछेगा क्षैतिज दूरी, तो क्षैतिज दूरी यदि हम लोगों को निकालना होगा तो किस प्रकार से हम लोग क्षैतिज दूरी निकालेंगे? क्षैतिज दूरी यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो सूत्र क्या होता है? 2πmv cos θ/3b। तो 2πmv cos θ/3b। ठीक, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो कितना हो जाएगा? 2πm कितना है? इसका द्रव्यमान कितना लिया गया हम लोगों ने? 1 kg। तो 1, भी कितना है? 10। cos θ यहाँ पर cos 30 डिग्री ले लेंगे हम लोग, तो cos यहाँ पर 30 डिग्री बराबर बाई q गुने बी, 10, 10 गुने बी, बी का मतलब कितना होगा? 20 टेस्ला। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा? π/√3/20। ठीक है, ये हमारा मीटर जो होगा वो क्षैतिज दूरी होगा, पथ ऑफ हेलिकल पाथ। ठीक है, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आप बना सकते हैं। बस आज इतना ही है।